इमाम मालिक रहमुल्ला की तरफ जबरदस्ती आप मंसूब किया जा रहे हैं कि वो 20 का कायल है, 20 का कायल है, जबकि कहीं नहीं है 20 का, यानी 20 उनकी तरफ मंसूब भी नहीं है, वो भी मंसूब है जो 36, वो भी गलत है, वो भी 36 गलत तरीके से लोगों ने उनकी तरफ मंसूब कर दिया। ये मुदउना का हवाला देते हैं, लोग कहते हैं कि उससे पता चलता है कि इमाम मालिक रहमुल्ला 36 के कायल है। उसमें यह है कि बासा इमाम मालिक रहमुल्ला कहते हैं कि बासा इलैहिल अमीर व अरादा अन युनक़िसा मिन क़ियाम रमज़ान अल्लज़ी काना यक़ूमुहु अन्नासु बिल मदीना, कि अमीर यानी मदीना के जो अमीर थे उन्होंने इमाम मालिक रहमुल्ला के पास ये पैगाम भेजा और कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो रकात पढ़ी जाती है और उसमें क्या है वो हुआ सित्तो व सलासून, यानी 36 तक है। मदीना के अमीर ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये रकात कम कर दें, यानी इसको हम कम कर दें, तो आप क्या कहते हैं? तो काला मालिक, मालिक इमाम मालिक कहते हैं फनहैतुहु अय्युनक़िसा मिन ज़ालिका शैया, कहते हैं कि मैंने मना किया और कहा कि ऐसा ना करें। इसमें क्या है, इसमें इमाम मालिक रहमुल्ला ने एक हाकिम को मना किया कि ऐसा ना करें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इमाम मालिक रहमुल्ला उसी के कायल हैं, क्योंकि इमाम मालिक के शागिर्द क्या कह रहे हैं, इमाम मालिक के शागिर्द ये कह रहे हैं कि इमाम अशब कह रहे हैं, जैसा कि असलात व तहज्जुद में पहले भी मैं इसका हवाला दे चुका हूँ, वो कहते हैं कि इमाम मालिक ने कहा कि अल्लज़ी आख़ज़ु बिही लिनफ़्सी फ़ी क़ियाम रमज़ान वल्लज़ी जमअ उमर इब्नु ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि नास, कहते हैं कि मैं अपने लिए जो तादाद पसंद करता हूँ वो तादाद है जिसपे उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबे कराम को जमा किया था, वो कितना है इहदा अशरक यानी 11 रकात, वही सलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह का कौल है। और वो जो मुदव्वना में है उसमें सिर्फ ये है कि जब वहां के अमीर ने, इमाम मालिक का जाहिर सी बात है वो 11 रकात पढ़ लेते, तो अमीर ने चाहा कि यहाँ क्यों इससे ज्यादा क्यों हो रहा है, यहाँ भी कम करा देते हैं, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने मना किया कि नहीं वो ऐसा कर रहे हैं उनको करने दो, लेकिन इमाम मालिक उसको सुन्नत नहीं समझ रहे, क्योंकि ये जो कौल है ना इमाम मालिक का, वो कहते हैं कि 11 वो तादाद है, 11 को सुन्नत समझ रहे हैं, ये सुन्नत रसूल भी समझ रहे हैं, सुन्नत खुलफाए राशिदीन भी समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि 11 की तादाद वो तादाद है जिस पर उमर रजी अल्लाह तआला ने लोगों को जमा किया, और वही सलात रसूलुल्लाह, और यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज भी है। और आगे कहते हैं वला अदरी मन अहदसा हादर रुअल कसीरा, और मुझे नहीं मालूम कि ये जो इतनी सारी तादाद है इसको किसने मना लिया, तो उसको कोई सनद नहीं दिया, जो 36 रकात हो रही थी इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने उसकी ताईद नहीं किया, ये नहीं कहा कि वो सही, कहा ये कहां से कर रहे हमें नहीं मालूम, लेकिन उस पर जब मदीना के हाकिम ने एक्शन लेना चाहा उनको रोक दिया कि नहीं भाई ये कर रहे हैं इनको करने दो, लेकिन उसे सनद नहीं दिया, ये नहीं कहा कि वो दुरुस्त है। बल्कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह के एक दूसरे शागिर्द हैं इब्न कासिम रहमतुल्लाह, वो कहते हैं अस्सलात व तहज्जुद सफा नंबर 287 पे बात है, क़ाला इब्न कासिम, इब्न कासिम कहते हैं कि करीहा मालिक, कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने इस बात को नापसंद किया, यानी जिस तादाद में वो लोग पढ़ रहे हैं उसको कम कर दें, और तादाद कितना थी, वो जो है वितर समय जो है 39 रकात वो लोग पढ़ते थे, तो कहा कि वहां के हाकिम ने उसको कम करना चाहा तो इससे इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने रोक दिया, लेकिन वख्तारहु अले नफ्सी इहदा अशरा तरकत, ये इब्न कासिम रहमतुल्लाह भी कह रहे हैं, यही बात उनके दूसरे शागिद इमाम अशब ने भी कही है, और ठीक यही बात उनके दूसरे शागिद इमाम इब्न कासिम रहमतुल्लाह भी कह रहे हैं कि उन्होंने हाकिम को तो मना कर दिया लेकिन खुद जो उन्होंने अपनाया, जो अमल किया वो 11 रकात, ये कह रहे हैं कि नहीं वो सारे अइम्मा सारे सहाबा ये सब 20 करते थे, कहाँ 20 है, यानी अइम्मा अरबा ने कहाँ 20 पढ़ा है या कहाँ 20 को अपनाया है, ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह का वाज़ेह तौर पर हवाला है 11, और अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह ने भी वही नकल कर रखा है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह 11 के कायल थे, और भी बहुत सारे अहले इल्म के अक़वाल हैं, इसलिए ये कहना कि अइम्मा ने 20 अपना लिया या अइम्मा अरबा की तरफ मंसूब कर देना, अज़ाइब अरबा में हो सकता है, यानी इन अइम्मा को मानने वाले 20 कर सकते हैं, उनके अक़वाल आपको मिल जाएंगे, लेकिन इन अइम्मा ने 20 रकत की बात कही हो, इन अइम्मा से सही सनदों से मोतबर सनदों से मोतबर हवालों से साबित आप नहीं कर सकते कि इन अइम्मा ने जो है 20 रकत की बात की। इमाम मालिक रहमतुल्लाह से एक और शख्स ने नकल किया ना, जूरी नाम का, जिस शेख अल्बानी रहमतुल्लाह ने सलात तरावी में उसका हवाला दिया, तो लोग उस पर टूट पड़े, उस हवाले पर टूट पड़े, बोले ये तो शाफई है, इमाम मालिक से कैसे नकल कर सकता है ये, यानी इमाम मालिक से अगर वो नकल करें, उनके शागिर्द नकल ना करें, तो आप उसको रद्द कर देंगे कि नहीं नहीं वो ठीक नहीं है, और हालांकि इमाम मालिक के शागिर्द इमाम अशहब इमाम इब्न कासिम रहमतुल्लाह भी नकल किया है, वो तना भी नहीं है जिसपे लोग जरे कर रहे हैं, यानी कुल उसको लेके कुल 3 लोग इमाम मालिक रहमतुल्लाह से कितना नकल कर रहे हैं, ये बात नकल कर रहे हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह 11 रकात पढ़ते थे।
तो इमाम मालिक से कोई बात नकल हो तो आप उस पर जरह करते हैं, कहते नहीं इमाम मालिक से साबित नहीं है, और फिर जो चाहो चारों की तरफ मंसूब कर दो, हम आपको छोड़ देंगे। इमाम मालिक का शेख अल्बानी रहमतुल्लाह हवाला दें तो आप जरह करोगे, नहीं शेख अल्बानी ने जो हवाला दिया इमाम मालिक से साबित है, और आप चारों के नाम जो चाहो मंसूब कर दो, जो चाहो कह दो कि चारों ने कहा हम आपको छोड़ देंगे, नहीं आपको भी हवाला देना पड़ेगा। अगर शेख अल्बानी का नकल कर देना काफी नहीं, उनको साबित करना पड़ेगा, तो आपको भी साबित करना पड़ेगा। अइमे अरबा के हवाले से जो भी बात कहेंगे आप उसको साबित करना, आप कहिए कि अइमे अरबा को मानने वाले ऐसा कर रहे, कोई मसला नहीं, लेकिन आप अइमे अरबा की तरह मंसूब करोगे कि जो उनसे साबित नहीं है, तो आपसे हवाला मांगा जाएगा, उसका सबूत मांगा जाएगा।